हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन योर ओन लर्निंग चैनल। आज हम आरबीएसई बोर्ड की इंग्लिश बुक लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रेड 2 का 4th चैप्टर करेंगे। आज का लेसन है गुड पर्सनल हैबिट्स। यह चैप्टर टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिस्कशन यानी वार्तालाप है। हिंदी में टीचर को शिक्षक या शिक्षिका कहते हैं और स्टूडेंट्स को छात्र, लेकिन इस चैप्टर में हम टीचर और स्टूडेंट का ही यूज करेंगे। गुड पर्सनल हैबिट्स मीन्स अच्छी निजी और व्यक्तिगत आदतें। टीचर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टीचर, सुप्रभात बच्चों। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टीचर। स्टूडेंट्स, सुप्रभात टीचर। टीचर, व्हाट इज देयर इन योर हैंड पुष्पा। पुष्पा, तुम्हारे हाथ में क्या है। पुष्पा, टीचर, इट इज ए पैम्फलेट, अ नर्स गेव इट टू मी टुडे। पुष्पा, यह एक सूचना पत्र है, एक नर्स ने आज मुझे दिया था। टीचर, शो इट टू मी। टीचर, मुझे दिखाओ। पुष्पा हैंड्स इट ओवर टू द टीचर। शी स्टार्ट्स रीडिंग इट। पुष्पा इसे टीचर को दे देती है, वो इसे पढ़ना शुरू करती है, यानी टीचर इसे पढ़ना शुरू करती है। मोहन, मैडम, व्हाट इज इट। मोहन, मैडम, ये क्या है। टीचर, Children, look. It tells us about good habits we have to follow daily. Teacher, बच्चों देखो, ये हमें उन अच्छी आदतों के बारे में बताता है जिनका हमें प्रतिदिन पालन करना चाहिए। Children, please tell us what they are. Student, कृपया हमें बताइए कि ये क्या है। Teacher, okay. Teacher, ठीक है। Good personal habits include अच्छी आदतों में शामिल है नंबर 1 वॉशिंग हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना। इट हेल्प्स स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। इससे रोगाणु नहीं फैलते हैं। नंबर 2 क्लीनिंग द टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। दांतों को 2 बार साफ करना। इट हेल्प्स कीप गम्स एंड टीथ हेल्दी। यह मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखता है। नंबर 3 Having a proper bath every day. प्रतिदिन स्नान करना। It helps keep us free from germs causing disease. ये बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को दूर रखता है। Number 4 Cutting nails regularly. नियमित रूप से नाखून काटना। It helps keep away dirt under them. यह नाखून के अंदर की गंदगी को दूर रखता है। नंबर 5 कवरिंग द नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। नाक और मुंह को छींकते समय कवर करो। इट हेल्प्स स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। ये कीटाणुओं को फैलने से रोकने में मदद करता है। यहाँ आपका लेसन फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एजुकेशनल लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।